आज हम एक अच्छा सा छोटा सा टॉपिक, बढ़िया सा टॉपिक, जिसको करने में आपको बहुत मजा आएगा, वो टॉपिक करने जा रहे हैं। ये सभी के लिए सीखना आवश्यक है, चाहे वो कोई छोटा बच्चा है, चाहे कोई वो कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहा है, 10th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, किसी भी क्लास में है, उन सबके लिए ये टॉपिक बहुत ही अच्छा रहेगा सीखना। ये टॉपिक है शॉर्ट ट्रिक्स मैथ्स की। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आज मैं आपको मैथ्स की करवाऊंगा जो आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। देखो, सबसे पहले हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। देखो, मल्टीप्लिकेशन में जैसे मल्टीप्लाई करना है 72 × 78, ठीक है? तो 72 को 78 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक रूल है, जब ऐसी कोई इक्वेशन हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें लास्ट वाले दो कौन से हैं, 2, 8, दोनों का टोटल कितना बन रहा है, 10, और आगे वाले दोनों सेम हो, लास्ट वाले दोनों का टोटल 10 बन रहा हो, आगे वाले दोनों सेम हो, तो क्या करना है हमें, तो हमें करना है आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन। देखिए, दोबारा बताता हूँ, 7, 2, 7, 8, लास्ट वाले दोनों का जोड़ कितना बन रहा है, 8 और 2, 10 बन रहा है, ठीक है? आगे वाले दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, सेम हैं, लास्ट वालों का जोड़ कितना बन रहा है, 10, आगे वाले दोनों इक्वल हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, हम सिर्फ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 × 2 = 16, और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक ज्यादा मान लेंगे किसी भी एक को, इन दोनों साथ में से किसी भी एक को जो एक ज्यादा अज्यूम कर लेंगे, जैसे ये 7 है, ये क्या बन गया हमें, 7 + 1 = 8, 8 × 7 कितना हो गया, 56, 56, तो आंसर आ गया हमारा 5616। देखिए, और भी बताता हूं, जैसे 36 × 34 करना है, 36 × 34 करना है, इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो पहले चेक करो लास्ट दोनों का जोड़ क्या बन रहा है, 10 बन रहा है ना, और अगले दोनों सेम है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6 और 4 का कितना आ गया, 24। अब क्या करेंगे, इसका क्या करना है, इसको एक ज्यादा मान लेना है, 3 को क्या मान लेंगे, 4, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, तो अपना आंसर आ गया 1224। और देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे हमने करना है 53 × 57, 53 × 57 करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या करना है हमने, 53 × 57, इसके लिए क्या करेंगे, 7 × 3 = 21 आ गया, इसको क्या करेंगे, एक ज़्यादा मान लेंगे, ठीक है, तो 5 × 6 कितना आ गया, 30, तो हमारा आंसर आ गया 3021, ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब आप कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करके देखिए, जैसे (84 × 86) कीजिए आप, (83 × 87) कर दीजिए, (16 × 14) कर दीजिए, (45 × 45) कर दीजिए। ये क्वेश्चंस आप करके प्रैक्टिस के लिए करें, ठीक है? ये मल्टीप्लिकेशन का एक ट्रिक था। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं, अब हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा साझा गुणज, यानी ऐसा एक गुणज जिसको दी गई सभी जो रकमें हैं वो डिवाइड कर सके। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 9,
और 12 का हमने एलसीएम निकालना है, ठीक है। 9 और 12 के एलसीएम कम से कम क्या आएगा, 12, जो इसमें से सबसे बड़ी अपने पास दी होती है, उतना तो आता ही आता है, उससे ज़्यादा चाहिए आ जाए। तो सबसे कम क्या आ सकता है, 12, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। एलसीएम निकालेंगे कैसे, हमने क्या करना है, 12 का टेबल काउंट करना है, ठीक है। 12 का टेबल कैसे काउंट करेंगे, देखिए 12 एकम 12, ठीक है। अब देखो 12 एकम 12, तो क्या 12 9 पे डिवाइड होता है, नहीं होता, ये एलसीएम नहीं हो सकता। 12 दूनी 24, क्या 24 9 पे डिवाइड होता है, नहीं होता, 9 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो ये भी एलसीएम नहीं हो सकता। 12 तिया 36, 36 9 के पहाड़े में आता है, यस आता है, 9 चौका 36, तो क्या है हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 और 12 का एलसीएम आ गया हमारा कितना, 36 यानी 36, ठीक है। देखो क्या करना है, जो भी हमें जो भी डिजिट्स दिए हुए हैं उनमें से जो बड़ा है हमारे पास, जैसे 12 है, ठीक है, तो उसका हमने टेबल काउंट करना, पहाड़ा काउंट करना शुरू कर देना है। और उस पहाड़े में जैसे पहले 12 आया, फिर 24 आया, 36 आया, जहाँ पे कोई ऐसी रकम आती है जो दूसरे पे भी डिवाइड हो जाती है, वो उसका एलसीएम होता है। देखिए दोबारा बताता हूँ आपको, मान लो हमने 15 और 12 का एलसीएम लेना है, ठीक है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 15, हम 15 का टेबल शुरू करेंगे, 15 एकम 15, 15 क्या 12 पे डिवाइड होता है, नहीं होता, 15 दूनी 30, 30 12 पे डिवाइड होता है, नहीं होता, 15 तिया 45, 45 12 पे डिवाइड होता है, नहीं होता, 15 चौके 60, 60 12 पे डिवाइड होता है, यस 12 5 60, तो अपना एलसीएम क्या आ गया, 60 हमारा इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। ये था एलसीएम निकालने का तरीका। अब एलसीएम में ज्यादा रकम भी हो सकती है, जैसे 9 ले लिया, 12 ले लिया, और हमने ले लिया 18, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे बड़ा कौन सा है, 18, हम इसका भाड़ा गिनेंगे, 18 एकम 18, 18 9 पे भी डिवाइड तो होता है पर 12 पे नहीं होता, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है, इसको नहीं लेंगे। 18 दूनी 36, 36 क्या है, 18 पे डिवाइड तो हो ही रहा है क्योंकि इसका तो टेबल ही है, 12 पे देखो 36 12 पे हो रहा है, 12 तिया 36, 9 चौके 36, तो हमारा इसका एलसीएम क्या आ गया, 36। सेम ही है, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, हमने ऐसे ही करना है, ठीक है। हाँ जी, हम आज अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न को छांटना। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव टेस्ट में इसका एक नंबर का क्वेश्चन आमतौर पर आ ही जाता है। तो हमारे पास ये कुछ भिन्न दी हुई हैं, जैसे 3/5, 7/9, 5/7, 1/3 यानी 3/5, 7/9, 5/7, 1/3। हमें यह देखना है कि इन भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके लगाते हैं, अपने अलग अलग मेथड हैं, पर मैं आपको बहुत ही इजी मेथड सिखाऊंगा आज। तो इसमें से जो सबसे बड़ी भिन्न है उसे छांटने के लिए हम पहले इन सारी भिन्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये सारी भिन्न क्या क्या हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखिए। सिंपल एक मेथड है, अगर इनमें अंतर बराबर हो, जैसे 3/5 यानी 3 और 5 में 2 का अंतर, 7/9 7 और 9 में 2 का अंतर, 5/7 5 और 7 में 3 का अंतर, 1/3 1 और 3 में 2 का अंतर, 5/7 में भी 2 का अंतर, तो इन सब में आपस में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो क्या होगा, जिसके ऊपर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, ऊपर वाला डिजिट, इसमें ऊपर क्या है 3, इसमें 7, इसमें 5, इसमें 1, तो ऊपर में सबसे बड़ा कौन सा है,
सात, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 7/9। ठीक है, ये क्या हो गया, दोबारा आपको बताता हूं, अगर इनमें डिफरेंस बराबर हो, जैसे 3/5 है, 3 और 5 में कितना डिफरेंस होता है 2 का ना, 7/9 है, 7 और 9 में कितना 2 का, 5/7, 5 और 7 में कितना 2 का, 1/3, 1 और 3 में कितना 2 का, अगर डिफरेंस बराबर हो, चाहे वो 1 का हो, चाहे 2 का, या 5 का, या 10 का, या 7 का, तो क्या होगा, कौन सी भिन्न बड़ी होगी, जिसका ऊपर वाला डिजिट बड़ा होगा। इसमें ऊपर वाला डिजिट किसका बड़ा है, 7/9 का, तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई, 7/9। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक और करते हैं, मान लीजिए 9/13, 7/11, 13/17, इनमें से आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 13/17, क्योंकि इसमें जो ऊपर वाला डिजिट है वो सबसे बड़ा है। और ये रूल कहाँ लागू होगा, जहाँ गैप बराबर हो, 9 और 13 में गैप कितना है 4 का, 7 और 11 में गैप कितना है 4 का, 13 और 17 में गैप कितना है 4 का, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई, 13/17। इसी तरह ही इसका उल्टा है, अगर सबसे छोटी भिन्न छांटनी हो और गैप बराबर हो, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका ऊपर का डिजिट सबसे छोटा होगा। ठीक है, गैप बराबर है तो जिसका ऊपर का डिजिट सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी, तो इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 7/11। ठीक है, सबसे बड़ी देखनी है तो ऊपर का डिजिट सबसे बड़ा, छोटी देखनी है तो ऊपर का डिजिट सबसे छोटा, और रूल क्या है, गैप यानी डिफरेंस इनमें बराबर होना चाहिए, 9 और 13 का 4 का, 7 और 11 का 4 का, 13 और 17 का 4 का डिफरेंस है। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। ठीक है, अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे, रूल नहीं है ये, सिंपल चीजें हैं, इसको रूल ना ही कहें तो अच्छा है। अब है हमारे पास अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/8, 3/5, 4/5, 3/7। अब इनमें गैप बराबर नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ 1 का गैप है, 3/5 में 2 का गैप है, 4/5 में 1 का गैप है, 3/7 में 4 का गैप है। अब इसमें से हमें बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, क्या बताना है, सबसे बड़ी, क्या बताएंगे हम, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसके लिए हम ये तो देख नहीं सकते कि जिसका ऊपर वाला डिजिट बड़ा है वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ गैप अलग अलग है। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें एक मेथड यूज करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न जानने के लिए जब गैप बराबर ना हो तो क्या तरीका अपनाना है, हमने कर अपनाना है मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। ये देखो, हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 24, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 35। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखिए, 8 को 3 से किया 24 आ गया, 5 को 7 से किया कितना आ गया 35 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, बड़ी भिन्न ना, तो दोनों के ऊपर में बड़ा किसका है, 24 बड़ी है, बड़ा है या 35 बड़ा है। ठीक है, 35 बड़ा है, तो हम बड़े को रख लेंगे, छोटे को हम ख़त्म कर देंगे, यानी अपने पास क्या बाकी रह गया, 7/8। अब जो 7/8 है इसका कंपैरिजन करेंगे हम 4/5 से। ठीक है, 5 × 7 = 35 हो गया, 8 × 4 = 32, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 35 बड़ा है, यानी 7/8 बड़ा है, हम छोटे को फिर ख़त्म कर देंगे, अपने पास क्या रह गया, 7/8 और 3/7। अब हम इनका कंपैरिजन कर देंगे, 7 का 7 से किया कितना आ गया 49, 8 को 3 से किया कितना आ गया 24, दोनों में से कौन सा बड़ा है, 49 49 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर ख़त्म कर देंगे, अपने पास क्या भिन्न रह गई, 7/8। तो 7/8 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है,
और इसी तरह ही अगर हमने सबसे छोटी भिन्न छांटनी हो, सबसे छोटी फ्रैक्शन देखनी हो, भिन्न छांटनी हो, तो भी हमारा सेम ही तरीका है। क्या तरीका है? हम जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका क्या करेंगे, हम उसको हम मल्टीप्लिकेशन करके, अब हमने क्या देखना है, सबसे छोटी, तो जो छोटी होगी उसको रखते रहेंगे, जो बड़ी होगी उसको डिलीट करते रहेंगे, ख़त्म करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे 7:35, 6 को 6 से किया 36। अब हमें क्या चाहिए, छोटी चाहिए। कौन सी छोटी है, 35 वाली या 36 वाली? 35। तो हमने क्या रख लिया, 35 वाली भिन्न को रख लिया, 36 वाली हमने डिलीट कर दी। अब दोनों में से, इनमें से 7/6 और 4/5 का कंपैरिजन कर लेंगे। 6 चौका 24, 5 7 35। हमने क्या करना है, क्या देखना है, छोटी, इन दोनों में छोटी कौन सी है, 24 या 35। 24 तो हम 35 वाला इरेज कर देंगे। अब हमारे पास 2 रह गई, ठीक है। 3 चौके 12, 5 8 40। अब हमारे पास कौन सी छोटी है, बताइए आप। यस, 4/5, यानी 12 वाली छोटी रह गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 4/5। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। जैसे 3/2, 1/3, 4/7, इनमें से सबसे छोटी भिन्न देखनी है, तो क्या करेंगे, 2 एकम 2, 3 3 9। ठीक है, अब सबसे छोटी देखनी है, तो सबसे छोटी 9 और 2 में से कौन छोटा है, 2 छोटा है, यानी हम इसको ख़त्म कर देंगे। अब अपने पास क्या रह गया, 1/3 और 4/7। अब हम इसका 1/3 और 4/7 का कंपैरिजन कर लेते हैं। 3 चौके 12, 7 एकम 7, कौन सा छोटा है अपने पास, 7 छोटा या 12 7। तो अपना आंसर क्या आ गया, 1/3। ठीक है, चलो, उम्मीद है समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।